वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद जो है मैं अपनी प्यारी में घर जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ले जाने का सोच रहा था, लेकिन मेरे घर के नज़दीक में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और उसमें क्रिकेट मैच था, जिसकी वजह से क्राउड बहुत रहता है, ट्रैफिक मेन रोड पे, तो उसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं ले जा रहा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम बिगड़ता है आने जाने में, खास करके जाते टाइम पे, तो मैं नहीं लेके आया था। और पार्किंग में ऐसी रखी हुई थी कि वहाँ से निकलना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो आज मौका मिला है अपनी प्यारी में सफ़र करने का, निकलने का बाहर, तो मैं निकला हूँ अपनी प्यारी में। तो आज का हमारा जो टाइटल है, टाटा नैनो मोस्ट एडवांटेज। अभी एडवांटेज क्या है, क्योंकि जो लोग अहमदाबाद से, उनको पता है कि अहमदाबाद में अभी गर्मी का टेम्परेचर, अभी बज रहे शाम के 6:10, फिर भी अभी यहाँ का टेम्परेचर है 44 डिग्री। मतलब अगर आप ठंडी में से जैसे ही बाहर निकलते हो, इतनी ओवर हीट लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि मतलब आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, इतनी गर्मी लगती है। और इसी गर्मी में आज मैं अपनी नैनो का बेनिफिट ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कई बार के सिटी में भी हमको विथ एसी 21 का एवरेज मिलता है, एसी चालू है फिर भी 21 का एवरेज आता है इसमें। तो अभी ये गाड़ी में मैं बैठा हूँ, मस्त ठंडी हवा आ रही है, गर्मी कितनी हो पता ही नहीं चलता है, और दोपहर में तो 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है 3 बजे के आसपास, लेकिन 6 बजे 44 है, यानी बहुत ही ज़्यादा है, और ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है पूरा वीक। तो मैंने सोचा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि टाटा नैनो मच बेटर देन बाइक, तो यही रीज़न है कि बाइक से क्यों अच्छी है, कि वही प्राइस में हमको गाड़ी मिलती है और गर्मी तक का पता भी नहीं चलता है कि बाहर इतनी गर्मी है, तो यही उसका मोस्ट एडवांटेज है नैनो का। इतनी गर्मी में भी हम मस्त चील करके जा रहे हैं, तो हमारी प्यारी नैनो के लिए एक डेडिकेटेड सॉन्ग तो बनता है, उसके लिए आप भी उसका थोड़ा सॉन्ग का मजा लीजिए, तो आपको भी आपकी प्यारी नैनो की याद आ जाएगी, अगर आप नैनो ओनर है तो। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। टाइम बाद इसको निकाला, फिर भी एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई और इतनी मस्त चलती है, ऐसा लगता है जैसे कल ही शोरूम से ली है। पिन ड्रॉप साइलेंट में, बाहर साइलेंट होगा, साइलेंट सर का मेन जो है अंदर है, अपने अंदर उसका मजा लेना है, और ट्रैफिक में भी आराम से निकल जाती है, लेकिन जो ब्रिज है मेरे घर के पास उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जाम होता है, तो मैंने सोचा अपने अननेसेसरी उसमें झमेले में पड़ना ही नहीं है, और अपना बादल तो है ही लास्ट में, पर ट्रैफिक वजह से उसका भी इंजन बहुत गर्म हो जाता था, पाँव में कभी कभी फील होता था लेक एरिया के आसपास के बहुत हीट हो गया है, तो टाइम भी काटने से अच्छा है अपनी प्यारी में जाने का, खास करके गर्मी का टाइम, नहीं तो अपना बादल तो है ही। एडवांटेज बेनिफिट मैं बता चुका हूँ, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी में क्या फ़ायदा इसका, यही मेन फ़ायदा इसका। गर्मी तक का पता नहीं चलता है, मस्त एसी की हवा आ रही है और 21 का एवरेज भी मिल रहा है, अगर एवरेज कम होता है तो भी लोग सोचते हैं कि यार गाड़ी लेके जाऊँ पर एवरेज कम है, तो यहाँ तो वो भी इश्यू नहीं है, स्मॉल कार वंडर कार जो भी कहना है कह सकते हो। अगर आप ये बात से एग्री करते हो कि टाटा नैनो का मोस्ट एडवांटेज यही है, मैंने एक बारिश का भी वीडियो बनाया था कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं अपनी गाड़ी में था और सब लोग ब्रिज के नीचे या जहाँ पेड़ मिला वहाँ पे रुक गए थे, और मैं आराम से जा रहा था, जिसमें बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी, तो मैंने उसकी आवाज़ भी सुनाई थी, तो वही वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में रखूँगा,
तो मैंने जो बात बताई वो आप फिर से एक बार रिवाइज कर सको, देख सको, जान सको, जिसने नहीं देखा या नहीं पता है या जो भूल गया है देखने के बाद। तो अभी भी बता रहा हूँ कि जहाँ से मिल रहा है सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन में ले लो, सर्विस सेंटर पे चेक करवा के, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये साल का मॉडल है, इतना किलोमीटर चली है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैं अपने जजमेंट से बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी की कंडीशन क्या है वो जो ले रहा है उसको ही पता है, वो साइड पे है। तो मेरे भरोसे मत रहना कि भाई आपने बोला तो मैंने ले लिया और फिर बाद इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो एक बार ऐसा हो तो सर्विस सेंटर पे चेक कराओ, या आपका जो भी पहचान वाला लोकल मैकेनिक हो उससे एक बार चेक करवाओ लेने से पहले, ताकि अफसोस ना हो कि भाई मैंने लेके गलती कर दी। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे ओपिनियन के ऊपर आप डिसीजन ले लो, आप पर्सनली भी एक बार चेक करो। बाइक पे घर जाता हूँ ना, मुझे मतलब पूरे ये हाथ जल जाते हैं। अगर आप देखोगे तो डबल शेड पर आते होंगे यहाँ पे, यहाँ से पूरा जो है रिस्ट का एरिया ब्लैक हो गया है। तो मुझे भी ग्लोव्स पहन के बाइक चलाना पड़ता है, क्योंकि हाथ में जो गर्म हवा लगती है ना तो पूरा हाथ जलता है ना, ऐसा फील होता है। तो मैंने सोचा इतनी गर्मी चल रही है तो आज तो अपनी प्यारी में ही चलते हैं। और मैं वो चाहता हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ, अगर सुबह जल्दी निकल सकता हूँ घर से तो डेफिनेटली मैं नैनो में ही आना जाना रखूँगा जब तक इतनी गर्मी है। हाँ, अगर लेट हो जाता है घर से निकलने में तो फिर अपना बादल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फटाफट ऑफिस पहुँचना पड़ता है और सुबह सुबह में ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक भी रहता है। तो दो ऑप्शन मैंने अपने लिए रखे हैं कि अगर जल्दी रेडी हो गया, टिफिन रेडी है तो अपनी प्यारी में जाएंगे, अगर लेट हो गया तो अपने एक बादल तो है ही उसमें जाएंगे। अभी बादल में भी एक इश्यू हुआ है, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि उसमें क्या इश्यू हुआ है, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो इश्यू इतना कुछ बड़ा नहीं है, अपने खुद से भी करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, एसेसरी बाहर से कहीं से लेनी पड़ेगी। तो या तो मैं खुद करूँ या तो फिर मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर में दे दूँगा, जहाँ से मैं रेगुलर सर्विस करवाता हूँ वहीं पर ही दे दूँगा, क्योंकि अपने सब कुछ खोल खाल के बैठेंगे और फिर से वही सब लगाना फिट करना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारी मंजिल करीब आती जाएगी और अपने वीडियो को समाप्त करने का टाइम भी आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर बोर हो जाते हैं देखने में। अगर कुछ एडवेंचर है तो ठीक है, नॉर्मली बातचीत करते अपने। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मेरे बाइक से ज़्यादा लोग नैनो को ज़्यादा पसंद करते हैं उसके वीडियो देखने में, और मुझे कमेंट भी आते हैं कि भाई आप नैनो पे वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, नैनो की प्रेफरेंस ज़्यादा है मेरे व्यूअर्स में, जो सब्सक्राइबर है वो भी और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे मैं नैनो पे ज़्यादा फोकस करूँ, उस पर ही वीडियो बनाऊँ, और शायद अपकमिंग जर्नी भी मैं नैनो के साथ ही करूँ, ताकि आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए। कोई टेंशन नहीं है, कितना भी ट्रैफिक हो अपने आराम से निकलते ही जाएंगे। अभी हम यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे और अपना जो शूटिंग है उसको बंद करेंगे।
क्योंकि हम अपने घर से बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो वीडियो लो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, पहली बार जो भी देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने जो सब्जेक्ट बताया टाटा नैनो मोस्ट एडवांटेज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बनाऊँ जो यूज़फुल हो, टाइम पास वाले ना हो। सी यू सून, बाय बाय।